हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक टेक्सटाइल का पार्ट 6 है और ये आई थिंक लास्ट सीरीज हो रही है अब टेक्सटाइल का। मैंने टेक्सटाइल के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, जितने मेरे होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कि मैम ये टॉपिक बचा है, मैं वो भी क्लियर कर दूंगी। ओके, फिलहाल मैं आज लास्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ और ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने के बाद 50-60 क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड ओनली। ठीक है, फिर हम वो मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो आपको पूरी सीरीज पढ़नी होगी, पूरी सीरीज समझनी होगी, तभी आप वो मॉक टेस्ट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक हम देख लेते हैं। मैं आपको फिनिशिंग्स पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स, जहाँ पे मैंने आपको बताए थे, ऑलमोस्ट सारे फिनिशिंग समझा दिए थे। बेसिक फिनिशिंग्स होती हैं एंड कुछ स्पेसिफिक फिनिशिंग होती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक क्या होती हैं फिनिशिंग्स? परिसज्जाएं जो कि कपड़े के ऊपर दी जाती है। तो बेसिक होती हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी कपड़े पर दी जाती हैं, और जो आपके स्पेसिफिक होती हैं वो कुछ कुछ कपड़ों पर दी जाती हैं, जिसमें स्पेसिफिक में आपके थी डाइंग एंड प्रिंटिंग। डाइंग एंड प्रिंटिंग मैंने बोला था मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं डाइंग क्या होता है। जिसे आप हिंदी में रंगाई बोलते हैं, किसी भी तंतु सूत या वस्त्र को रंगने के लिए जो प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उसे रंग या डाई कहते हैं। इस रंग को चढ़ाने के लिए जो प्रोसेस होती है, प्रयुक्त प्रक्रिया होती है, उसे हम डाइंग कहते हैं। ठीक है, डाई क्या होते हैं? कलर्स। और कलर्स क्या हैं? कलर्स तो सभी को पसंद होते हैं, चाहे हम कोई भी चीज़ देख लीजिए, सब में कलर्स है। कलर्स के बिना तो हमारी दुनिया है ही नहीं। ठीक है, तो कलर्स तो हमें सब में पसंद होते हैं। कपड़े कलरफुल बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे बच्चों के लिए लें, चाहे हम अपने लिए लें, चाहे किसी भी चीज़ के लिए लें, कलरफुल कपड़े अच्छे लगते हैं। तो कपड़ों को क्या किया जाता है? कलर किया जाता है, क्योंकि कलर अच्छे लगते हैं कपड़ों पर। और जो प्रोसेस होती है वो कलर करने की डाइंग कहलाती है। तो टाइप्स ऑफ डाइंग देख लेते हैं। डाइंग के कुछ प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डाई। सबसे पहले तो रंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के रंग होते हैं, नेचुरल डाई होते हैं एंड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक डाई आप बोल सकते हैं। नेचुरल जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रंग कहलाते हैं, और आर्टिफिशियल डाई सिंथेटिक डाइज जो कि कृत्रिम तरीके से तैयार किए जाते हैं वो आर्टिफिशियल डाइज कहलाते हैं। नेचुरल डाइज कौन कौन से हैं? वेजिटेबल डाइज, एनिमल डाइज, मिनरल डाइज। वेजिटेबल जो वनस्पति से प्राप्त हैं, एनिमल जो जंतुओं से प्राप्त हैं, और मिनरल डाइज जो खनिज तरीके से पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल डाइस, यहाँ उसका भी डिवीज़न है, वो भी देख लेते हैं। आर्टिफिशियल और ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक डाइस, वो कितने प्रकार के होते हैं? एसिड सिंथेटिक डाइस, बेसिक डाइस एंड न्यूट्रल डाइस। एसिड सिंथेटिक डाइस जिसे हम बोलते हैं अम्लीय संश्लेषित रंग, ठीक है, ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से बनाए जाने वाले रंग है। सेकेंड टाइप आता है बेसिक सिंथेटिक डाइस, क्षारीय संश्लेषित रंग इसे हिंदी में बोलते हैं। एंड थर्ड आता है न्यूट्रल डाइस, उदासीन रंग। न्यूट्रल डाइस आर फर्दर डिवाइडेड, ठीक है, इसको फर्दर डिवीजन है न्यूट्रल डाइस का। न्यूट्रल डाइस पार्ट है आपके आर्टिफिशियल डाइस का, और इसके भी पार्ट्स हैं न्यूट्रल डाइस के भी। क्या पार्ट्स हैं? डायरेक्ट डाइस, वेट डाइस, सल्फर डाइस एंड डेवलप्ड डाइस। समझ में आ रहा है? प्रत्यक्ष रंग, वेट रंग, सल्फर इसको आप गंधक रंग बोल सकते हैं, एंड डेवलप्ड डाइस विकसित रंग। क्लियर हो गया? ये टाइप समझ में आए? नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। सबसे पहले नेचुरल डाइस का डिस्क्रिप्शन है, नेचुरल डाइस में आपको समझा रही हूँ। देखिए, जो रंग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं वो रंग प्राकृतिक रंग कहलाते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है वेजिटेबल डाइस। इसमें क्या है? पेड़ पौधों से प्राप्त रंगों को वेजिटेबल डाइस कहते हैं। रंग प्राप्त करने के लिए पेड़ों की पत्तियाँ, फूल, टहनियों का उपयोग किया जाता है। चाहे हम फाइबर बनाएं, चाहे हम कलर बनाएं, हम ऑलमोस्ट पूरा प्लांट यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? पूरा प्लांट यूज़ होता है, चाहे फाइबर बनाने में प्लांट से, जिसको आप नेचुरल फाइबर बोलते हैं, और चाहे आप नेचुरल डाई बनाइए, रंग बनाइए, उसमें भी सब कुछ यूज़ होता है। सबसे नॉर्मल तो आप मेहंदी का एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले ज़माने में क्या होता था? मेहंदी पत्ती तोड़ के फिर उसको पीस के मेहंदी बनाई जाती थी, ठीक है ना। आजकल तो आर्टिफिशियल आती है, लेकिन पहले मेहंदी ऐसे लगाई जाती, तो पत्ती तो कलर देती है। तो ये देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल है। इसके अलावा एग्जांपल्स क्या लिखे हुए हैं? नीम, हल्दी, टेसू, देखिए मेहंदी आ रहा है, जामुन, कत्था आदि से रंग प्राप्त करते हैं। सेकंड टाइप आता है एनिमल डाइज, जिसे जातव रंग बोलते हैं। जीव जंतुओं में कीड़ों से, मछलियों से आदि से प्राप्त रंगों को जातव रंग कहते हैं। कोकोनियल रंग, कौन सा रंग? कोकोनियल रंग घोंघा जाति के कीड़े से प्राप्त होता है। ये रंग मादा कीड़े के मृत व सूखे शरीर से प्राप्त किया जाता है। जो घोंघा प्राणी है उसका जो फीमेल पार्ट होता है वो जब मर जाता है तो उसके सूखे हुए और मरे हुए शरीर से कलर निकाला जाता है।
ठीक है। इसके बाद टीरियन पर्पल, टीरियन पर्पल, ठीक है। टायरीन पर्पल एक विशेष जाति की मछली से प्राप्त होता है। इसके अलावा और भी प्राणियों से रंग प्राप्त किए जाते हैं और ये बहुत महंगे होते हैं। जो एनिमल डाइज होते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जब जंतु मर जाता है उसके बाद उससे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत महंगे कलर्स होते हैं। देन लास्ट है मिनरल डाइज, नेचुरल डाइज का टाइप है। खनिज पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। लोहे में सिरका और लकड़ी की राख को मिलाकर घोलने से भूरापन लिए हुए पीला रंग बनाते हैं। ये मिनरल डाइस का हो गया डिस्क्रिप्शन, ठीक है। समझ में आ गया नेचुरल डाइस क्या होते हैं और कितने टाइप के हैं, मैंने तीनों समझा दिए हैं। सेकेंड इज आर्टिफिशियल डाइस, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप है एसिड सिंथेटिक डाइस। ये रंग सस्ते होते हैं, चमकदार होते हैं, जो मेनली है, जो नॉर्मली है वो आर्टिफिशियल डाइस का ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा डिमांड है फैब्रिक की, हमारी पॉपुलेशन इतनी है, फैब्रिक की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरल डाइस से तो कंप्लीट नहीं हो सकता और नेचुरल डाइस ऑलमोस्ट सारे महंगे होते हैं, ठीक है। अब तो आर्टिफिशियल डाइस का ही यूज़ किया जाता है कपड़े को रंगने के लिए, जिसमें एसिड सिंथेटिक डाइस हैं। ये रंग सस्ते व चमकदार होते हैं। इनसे प्रोटीन युक्त तंतु, कौन से होते हैं प्रोटीन युक्त फाइबर, वूल एंड सिल्क, ठीक है, वस्त्र, ऊन व रेशम आसानी से रंगे जाते हैं। इनका यूज़ कॉटन फैब्रिक पे नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एसिड डाइज हैं, एसिड से सबसे पहले कॉटन खराब हो जाता है, ठीक है। एसिड सिंथेटिक डाइज हैं, एसिड से कॉटन बहुत जल्दी खराब होता है। बेसिक सिंथेटिक डाइज, ये रंग कार्बन के लवण होते हैं, चमकदार होते हैं, मतलब ये कार्बन कार्बोनिक होते हैं, ठीक है, व सस्ते होते हैं। सूती वस्त्रों पर इनका यूज़ किया जाता है। अब कॉटन को कलर करने के लिए कौन से कलर्स का यूज़ करते हैं, बेसिक सिंथेटिक डाइज का। इसमें अब ये बेसिक सिंथेटिक डाइस क्या होता है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, समझ में आ रही है बात, फिर उसका यूज़ करा जाता है रंगने के लिए। इन रंगों को विशेष चमक के कारण इनके कागज़ व चमड़ा रंगने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसमें चमक इतनी होती है कि जो कागज़ और चमड़ा रंगा जाता है वो भी बेसिक सिंथेटिक डाइस से रंगा जाता है। थर्ड पार्ट इज न्यूट्रल डाइस। इन रंगों में एसिड और एल्कलीज दोनों ही गुण नहीं होते हैं, ना तो ये एसिड होता है इसमें, ना बेसिक, ना क्षार होता है, ना अम्ल होता है, न्यूट्रल होते हैं, समझ में आ रही है। न्यूट्रल किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। तो ये रंग सूती रेयन पर आसानी से किए जाते हैं और ये रंग बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आर्टिफिशियल में। न्यूट्रल डाइस सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं किसी भी फैब्रिक को कलर करने के लिए। इसके भी टाइप्स मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से हैं, डायरेक्ट डाई, वेट डाई, सल्फर डाइस एंड ड्यूप्लेक्स डाई। समझ में आई बात, सॉरी ड्यूप्लेक्स डाई नहीं, सॉरी डेवलप्ड डाइस, डेवलप्ड डाइस। अब मैं ये भी आपको समझा देती हूँ, इन्हें भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, देखते हैं वो क्या है। डायरेक्ट डाइस, ये रंग कार्बनिक पदार्थ अमीन व फोनोल, अमीन व फोनोल को मिलाकर बनाए जाते हैं। इसका यूज़ मेनली नेचुरल फाइबर्स पर किया जाता है, मतलब डायरेक्ट डाइस का यूज़ नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, चाहे वो प्लांट फाइबर्स हों, चाहे वो एनिमल फाइबर्स हों, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो जूट हो, चाहे वो लिनन हो, चाहे वो वूल हो, चाहे वो सिल्क हो। क्लियर है बात, नेचुरल फाइबर्स की बात करी है मैंने यहाँ पर, किया जाता है, बट एनिमल नेचुरल फाइबर पर नहीं। लो यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर हो गई, नेचुरल फाइबर केवल प्लांट नेचुरल फाइबर पे किया जाता है, एनिमल नेचुरल फाइबर पर इनका यूज़ नहीं किया जाता है। ये रंग सरलता से पानी में घुलते हैं, पानी में इजीली घुल जाते हैं कलर, क्योंकि रंग पक्के नहीं होते, ये रंग लेकिन पक्के नहीं होते हैं, धूप प्रकाश धुलाई में फीके पड़ जाते हैं, इसीलिए इनको पक्का करने के लिए नमक या सोडा मिलाना चाहिए और ये रंग सस्ते होते हैं। आप नॉर्मल भी कॉटन का कोई कपड़ा अगर घर में लाते हैं तो उसको सबसे पहले आप नमक के पानी में घोल दीजिए, उसका कलर कभी नहीं उतरेगा, कभी भी नहीं उतरेगा। आप कॉटन का सूट लाइए, साड़ी लाइए, उसको पहले नमक के पानी में धो लीजिए पहनने से पहले, उसका रंग कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। वेट डाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़ किए जाते हैं कलर्स करने के लिए। इन रंगों से किसी भी तरीके का वस्त्र रंगा जाता है, चाहे आप नेचुरल वस्त्र रंगिए, चाहे आप आर्टिफिशियल टाइप से बनाया हुआ फैब्रिक रंगिए, सब कोई भी कलर आप इससे रंग सकते हैं। ये रंग बहुत पक्के व टिकाऊ होते हैं। इससे उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए इन्हें जब कपड़ा बन जाता है और कपड़े को रंगा जाता है तो उसके घोल में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या कास्टिक सोडे को घोल में डाला जाता है। कपड़ा रंगने का आपने अगर कोई फैक्ट्री वगैरह देखी हो तो जाके देखिएगा कपड़ा कैसे रंगा जाता है। थर्ड टाइप है सल्फर डाइज, गंधक रंग। गंधक रंग केवल सूती वस्त्रों को रंगने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें सल्फर डाइज किसको रंगने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो केवल कॉटन फैब्रिक को रंगने के लिए यूज़ किए जाते हैं। गंधक रंग बहुत महंगे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसी को डिस्क्राइब करा है, तथा ये पानी में अघुलनशील है, पानी में घुलते नहीं है। इन रंगों को पानी में घोलने के लिए सोडियम सल्फाइड का यूज़ करते हैं। फोर्थ टाइप इज डेवलप्ड डाइस।
विकसित रंग, विशेष रासायनिक प्रोसेसेस द्वारा तैयार ये रंग प्रोसेसिंग, बहुत प्रोसेसिंग करनी पड़ती है उसके द्वारा ही वस्त्र पर चढ़ाए जाते हैं। जो डेवलप्ड डाइस हैं ये बनाए भी बहुत प्रोसेसेस से जाते हैं और बहुत प्रोसेसेस करके, प्रोसेसिंग करके इसे कपड़े पर चढ़ाया भी जाता है। क्लियर है? पहले वस्त्र को साधारण रूप से रंगा जाता है, फिर उस पर नेप्थोलिक कंपाउंड्स के द्वारा, नोट डाउन कर लीजिए, नेप्थोलिक कंपाउंड्स होते हैं उसके द्वारा रंगों को गहरा व पक्का किया जाता है। डेवलप डाइस महंगे होते हैं, दोनों ही महंगे होते हैं, सल्फर डाइस और डेवलप डाइस। सबसे ज़्यादा सस्ता कौन सा है, बढ़िया कौन सा है? वेट डाइस। समझ में आ गया? द लास्ट वन इज प्रिंटिंग। आपको डाइंग समझ में आया, आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं प्रिंटिंग, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं छपाई। वो क्या होता है? छपाई वे प्रोसेस है जिसके द्वारा बने वस्त्रों पर निश्चित डिज़ाइन में रंग लगाया जाता है। उसमें तो पूरा फैब्रिक रंगा जा रहा है, अब फैब्रिक के ऊपर कोई डिज़ाइन चाहिए, वो डिज़ाइन कैसे आएगा? वो डिज़ाइन आपके छपाई से आएगा, प्रिंटिंग से आएगा। तो छपाई प्रक्रिया में तंतुओं के अकॉर्डिंग रंगों का यूज़ करते हैं व इसमें घोल ना होकर गाढ़ा पेस्ट होता है। रंग में क्या होता है? एक घोल होता है, पानी में घोल घोल दिया जाता है, फिर पूरा कपड़ा उसमें डुबोया जाता है, देन वो कलर हो जाता है। अब हमें क्या करना है, कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन चाहिए, तो वो डिज़ाइन कैसे आएगा? छपाई के थ्रू आएगा। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग देख लेते हैं। तो प्रिंटिंग करने के लिए घोल ना होकर क्या होता है? गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट होता है। प्रिंटिंग कैसे होती है? टू टाइप्स की प्रिंटिंग होती है, हैंड प्रिंटिंग एंड मशीन प्रिंटिंग। हाथ से की जाने वाली छपाई और मशीन से की जाने वाली छपाई। हाथ से की जाने वाली छपाई के भी दो टाइप्स हैं, क्या हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग एंड स्क्रीन प्रिंटिंग। वन इज ब्लॉक, सेकंड इज स्क्रीन प्रिंटिंग। हैंड प्रिंटिंग बहुत महंगी होती है, बहुत कॉस्टली होती है। क्यों? कोई भी चीज़ आप हाथ से करेंगे, उसको बाजार में बेचेंगे, वो महंगा ही बिकेगा ना। जरी जरदोजी का काम जो होता है कपड़े के ऊपर किया जाता है, वो भी बहुत महंगे मिलते हैं कपड़े। तो हैंड प्रिंटिंग में क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होते हैं? वुडन ब्लॉक्स होते हैं, आपने देखा होगा एक टाइम पे मेहंदी बहुत चली थी वुडन ब्लॉक्स के ऊपर, उसे ऐसे घोल में घोल लेते थे फिर हाथ पे छापते थे, एक टाइम था बहुत चली थी, वो फेमस हुई थी, मुझे तो याद है। लेकिन ब्लॉक प्रिंटिंग से कपड़े कैसे रंगे होते हैं? वुडन ब्लॉक्स होते हैं, उसके ऊपर जो डिज़ाइन होता है वो एनग्रेव होता है, मतलब उभरा हुआ होता है, उसे ऐसे करके रंग में डुबोया और फिर जहाँ भी हमें चाहिए उसको ऐसे ऐसे करके छापते चले गए, रंग आता चला जाता है, डिज़ाइन आता चला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या होता है, एक वुडन स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन के ऊपर एक बहुत फाइन कपड़ा होता है, बहुत फाइन कपड़ा होता है, उस कपड़े के ऊपर, उस कपड़े को ऐसे रखते हैं, पीछे डिज़ाइन बना होता है, कोई भी डिज़ाइन आप ले लीजिए, स्टेंसिल डिज़ाइन, स्टेंसिल डिज़ाइन समझते हैं ना, जिसमें बीच में जगह होती है, मान लो ऐसे कोई डिज़ाइन है तो इस तरीके से यहाँ पे कलर भर वो लगा देते हैं, ये डिज़ाइन आता है, ठीक है। तो इसको रखते हैं, उसके ऊपर स्क्रीन रखते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो कपड़ा लगा होता है उसके ऊपर डिज़ाइन पूरा छाप लेते हैं पेंसिल से, फिर छापने के बाद उसको जो स्क्रीन को होता है बचा हुआ जो जगह होता है स्क्रीन का, वो एक वाइट इनेमल लगा के पूरा पॉलिश कर देते हैं, कपड़े पे बिल्कुल भी जगह ना रह जाए स्क्रीन के। उसके बाद उसे पलट के और स्क्वीज से कलर करते रहते हैं, जहाँ हमें कलर चाहिए होता है, डिज़ाइन चाहिए होता है, वहाँ वहाँ उठा उठा के स्क्रीन रख के कलर करते रहते हैं, तो इसलिए ये बहुत महंगे मिलते हैं। मशीन प्रिंटिंग के टाइप्स क्या है? मशीन प्रिंटिंग किस में यूज़ होती है? जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में और आपके इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं मशीन प्रिंटिंग। आप मान लो पूरा एक थान आपको रंगना है तो आप हाथ से थोड़ी रंग पाएंगे, छपाई थोड़ी कर पाएंगे उसकी, तो मशीन प्रिंटिंग्स की जाती है। उसमें क्या होता है, रोलर प्रिंटिंग होती है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग होती है, रेजिस्ट प्रिंटिंग होती है एंड ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग होती है। जो रोलर प्रिंटिंग होती है इसमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े रोलर्स होते हैं और उन रोलर्स के ऊपर जो होता है डिज़ाइन छपा हुआ होता है। तो जितना डिज़ाइन आपको एक कपड़े पर डालना होता है उतने टाइप्स के रोलर यूज़ करे जाते हैं। मान लो एक में आपको फूल भी चाहिए, एक में आपको पत्ती भी चाहिए, तो फूल का रोलर अलग होगा, पत्ती का रोलर अलग होगा, कली का रोलर अलग होगा। समझ में आ गई बात? फिर क्या होता है, उसमें रोलर के नीचे से कपड़ा निकाला जाता है और उनमें जो डिज़ाइन छपा होता है उसमें कलर भर दिया जाता है। जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप उसमें भर दीजिए मशीन के थ्रू और वो कलर कपड़े के ऊपर छपता चला जाता है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट डिस्चार्ज प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है, कपड़े को पूरा रंग लेते हैं और फिर जहाँ पे आपको रंग नहीं चाहिए होता है वहाँ पे ब्लीचिंग प्रोसेस से वो कलर वहाँ से हटा लिया जाता है, वो डिस्चार्ज प्रिंटिंग हो गई। रेजिस्ट प्रिंटिंग क्या होती है, अवरोधक छपाई क्या होती है? इसमें क्या करते हैं, आपने शिवोरी का कपड़ा देखा है, शिवोरी एक डिज़ाइन है बहुत बढ़िया, एक कपड़ा है, मान लीजिए कपड़े के ऊपर आपको कोई डिज़ाइन चाहिए तो कोई पेस्ट बनाया, रेजिस्ट पेस्ट बनाया, उसको पेस्ट को ऐसे ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। मान लो ऐसे करके मैंने कोई डिज़ाइन बना लिया, उसको लगा लिया, अब फिर मैंने इसके ऊपर कलर करा, तो जो कलर है वो इसके अंदर नहीं जा पाएगा, ये जो मैंने रेजिस्ट लगाया है ना इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर जब ये सूख जाता है तो सूखने के बाद ये जो रेजिस्ट है ये छुटा दिया जाता है, तो आपका कपड़ा कैसा आएगा, ये डिज़ाइन छपा हुआ आएगा उसके ऊपर। समझ में आ गई बात? इसको रेजिस्ट प्रिंटिंग बोलते हैं।
कोई भी रेजिस्ट लगा देना, अवरोधक लगा देना, तो अवरोधक आप लगा देंगे तो उसके अंदर तो कलर जा ही नहीं पाएगा, ऊपर ऊपर कलर डिजाइन पूरा छप जाएगा। नेक्स्ट ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग, दिस इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटिंग, ये बहुत महंगा प्रिंटिंग का टाइप है, कंप्यूटर प्रिंटिंग होती है, इसमें दोनों साइड बोथ साइड जो होता है कलर छप के आता है कागज के ऊपर, फिर उसको प्रिंट किया जाता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। हम रैप अप करते हैं स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रिंटिंग और डाइंग का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लास्ट प्रोसेस है, लास्ट टॉपिक है, मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स क्लियर करवा दिए हैं आपको, सभी क्लियर हो गए। अगर कोई टॉपिक बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स, मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगी। सो रैप अप करते हैं, बाय बाय स्टूडेंट्स, कीप इट अप, गुड गोइंग, पढ़ते रहिए।